मैं विशाल सिन्हा जी, हिंदुस्तान समाचार की तरफ से जो दीनदयाल उपाध्याय जी की कार्यशैली के बारे में, उन्होंने जो पूरा योगदान समाज के लिए दिया है उसके बारे में लोगों का अवगत करने के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके लिए उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। मेरे मित्र और छत्तीसगढ़ के बहुत ही कर्मठ और कार्यशील मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के कमल द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वैसे छत्तीसगढ़ एक राज्य ऐसा है कि जहाँ पर पंडित जी के बहुत सारे कल्पनाओं को मूर्त स्वरूप में लाने का काम हमारे डॉक्टर रमन सिंह साहब ने किया है। हम इस बात पे काफ़ी संतुष्ट है कि जब तक अंत्योदय नहीं होता तब तक समाज में बदलाव नहीं आ सकता। समाज में बदलाव लाने के लिए सभी लोगों की मनस्थिति, मन को बदलना पड़ेगा, समाज के रहने वाले लोगों की उनके प्रति जो श्रद्धा है उसको बदलना पड़ेगा। ये सभी चीज़ों को करने के लिए संपूर्ण क्रांति जैसी बात करनी पड़ेगी, और यही बात पंडित जी ने अपने जीवन काल में कही थी, और मुझे खुशी है कि इसी रास्ते पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। हमारी सरकार यही विचार हमारे साथ में रखते हुए हम काम कर रहे हैं, और रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम को आयोजन किया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। मैं आने के लिए काफ़ी उम्मीद रखा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं आ पा रहा हूँ। इसके लिए आपसे क्षमा भी चाहता हूँ, और आपको विनती करता हूँ कि दोबारा आने का मौका मुझे दे दीजिए। लेकिन पंडित जी ने जो काम किया उसके लिए, मेरे विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।